1996 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को हराकर केनिया ने चौंकाया। गुस्से में लारा ने ऑटोग्राफ देने से किया इनकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों 30 मई को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच उद्घाटन मुकाबले के साथ वर्ल्ड कप 2019 का आगाज हो जाएगा। वर्ल्ड कप इतिहास की अगर बात करें तो इसमें कई दिलचस्प और रोचक घटनाक्रम हुए हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। 1996 वर्ल्ड कप के एक मैच में नई टीम केनिया ने दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज टीम को मात देकर बड़ा उलटफेर किया था। यह जीत क्रिकेट जगत को अचंभित कर देने वाली थी क्योंकि केनिया टीम की इससे पहले कोई पहचान नहीं थी। केनिया की ये टूर्नामेंट में पहली जीत थी। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केनिया की टीम ने 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम महज 35 ओवर में दो गेंदों में 93 रन ही बना पाई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसी तरह केनिया की टीम ने उस मैच को 73 रनों से जीत लिया। केनिया की ओर से रजब अली और मॉरिस ओडम्बू ने 3-3 विकेट चटकाए। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उस मैच में वेस्ट इंडीज की ओर से ब्रेन लारा, वॉल्स, चंद्रपॉल, कैंपबेल और सन विवियर्स रिचर्डसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे। इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज टीम की हार ने न केवल क्रिकेट जगत में अचंभित किया बल्कि क्रिकेट फैंस को भी ये भी समझाया। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उलटफेर कैसे हुआ। उसी मैच में एक और मजेदार वाक्य हुआ था जिससे क्रिकेट फैंस आज भी याद करते हैं। दरअसल केनिया की जीत ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों को झकझोर कर रख दिया था। खिलाड़ी ने ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि एक कमजोर टीम से वो कैसे मैच हार गए। टीम की हार से बौखलाए ब्रेन लारा से जब केनिया के क्रिकेटर ने ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आपको याद होगा कि उस मैच में वेस्ट इंडीज को हराकर केनिया की टीम ने ऐसा जश्न मनाया था मानो उन्होंने वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। नाचते हुए पूरी टीम ने मैदान का चक्कर लगाया था। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।